सुंदर है। और जो होटल का बाहर का व्यू है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। पाँच मिनट भी नहीं हुआ और मानू ने आके बाथटब में पानी भरना शुरू कर दिया है। उसका पहला काम होता है रूम में आते ही सोना, लेकिन पहली बार आज मैं देख रही हूँ कि उसे पहले नहाते हुए, मतलब पहले रूम में आके नहाते हुए, नहीं तो वो सोती रहती है। तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है बाथटब में नहाना। तो थैंक यू बोल रही थी मुझे कि मम्मी थैंक यू। और मैं अपना फेस इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि सुबह 7:30 बजे का निकली हूँ और पूरा मुंह ना धूप में एकदम काला पड़ गया और वही है डस्ट पूरा काली हो रखी है। और वो देखो मैंने, चलो नहा लो फिर मैं नहाऊंगी। उसको बढ़ने में तो आधा घंटा लगेगा, तो तब तक मैं नहा लूँ। मैं ये पहनने वाली हूँ। तो तैयार हो गई हूँ मैं, कैसे लग रही हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मालू भी तैयार हो गई है और अभी थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके अभी हम जा रहे हैं बाहर होटल को घूम के देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो मालू को भी दिखा देती हूँ आपको कि कैसे तैयार हुई है। अच्छा, मालू को दिखाएगी। तो बस अभी हम जा रहे हैं बाहर। सीधा चल रही हूँ मैं। इतने बड़े कर्टेंस पसंद है मुझे तो मैंने कपड़े फिर से चेंज कर लिया है क्योंकि मानू ने बोला कि फोटो अच्छा नहीं आ रहा है। 2-3 फोटो खींचा उसमें अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर बोला कि मम्मी फोटो ही तो खींचने आए।
तो जाके चेंज कर लो, बस 2 मिनट ही लगेगा। तो मैं आके फटाफट से ये पहन लिया। कैसे लग रही हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब देखना बहुत अच्छे आ रही है, नहीं आए ना तो तुम्हें दूंगी मैं। देखो एक बार जामा तो अभी हम सुबह आए हैं यहाँ पे फोटो खींचने के लिए। तो सुबह सुबह हम दोनों के दोनों तैयार होके, और होटल का जो व्यू है ना इतना सुंदर है, देखिए बहुत सारे हमने फोटो खींचा, रील्स बनाई। की तुल्ले
फोर्थ डे और अभी हम उदयपुर में हैं, तो मानू आप लोगों को रूम टूर दे रही है। रूम बहुत ही सुंदर है। हर जगह का ये रूम बहुत ही अच्छा लगा हमें, और ये यहाँ से बैठ के आप बाहर का नजारे देख सकते हो। बाहर स्विमिंग पूल भी है, 7 बजे तक खुला हुआ है। तो जस्ट अभी हम आए, तो उदयपुर में हम रहेंगे 2 दिन। मानो के हाथ की स्पेशल चाय, केतली वाली चाय, केटल वाली मानो के हाथ की चाय। एक आईब्रो एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है ना, ज्यादा बकवास। तुमने ही बना के दिया है, पहले से जो शेप थी वही बनाई है, ऐसे थोड़ी होता है। अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, तो डाइनिंग एरिया उस तरफ है और रात का व्यू कुछ इस तरीके से है। 9:30 बज रहे हैं और 10:30 बजे तक ही है टाइमिंग, तो इसलिए अभी जा रहे हैं हम डिनर करने। तो 10 मिनट तक तो अंदर ही हम बैठे थे और ऑर्डर भी दे दिया, और थोड़ा पापड़ और खीरा वगैरह भी खाने के बाद, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है तो इस वजह से हम बाहर आ गए। बाहर का मौसम भी अच्छा है और एकदम गार्डन के बीच में बैठ के खाने का मज़ा लेते हैं, तो इसलिए हम बाहर बैठ गए डिनर के लिए। अंदर बोला था कि एसी कम कर देते हैं, लेकिन नहीं, हमने बोला नहीं, थोड़ा सा बाहर बैठ के, कभी खाया नहीं है इस तरीके से गार्डन में, तो इसलिए बाहर बैठ गए। तो डिनर के बाद मुझे झूला दिखा, तो झूले में बैठने के लिए जा रहे हैं हम। और बस कल का दिन है और परसों हमारा फ्लाइट है, और सुबह 9:45 पे, तो बस परसों तक हम घर पहुंच जाएंगे। बच्चे घर पे हैं, तीनों बच्चे, और राज रोज पूचू और पीपो को खाना देते हैं और उसका वीडियो बना के भेजते हैं हमें, तो काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं कि अब फटाफट से कल का दिन पूरा हो जाए और फिर हम परसों घर पहुंच जाएंगे। तो आज ये मैं पहनने वाली हूँ। माँ वैष्णो देवी, वैष्णो देवी अब चल नहीं पाऊंगी, जब चराई आ रहा है ना, बस पैर में दर्द हो रहा। और मानू ने क्या कहा था, लेकिन नी कैप की जरूरत नहीं पड़ा, कभी कभी लग रहा है ऐसे ना, जब चराई आ रही है। एक मिनट दाड़ा तो
हेलो मैडम, कैसे लग रहा है? कल घर भी जाना है, कल घर भी जाना है। बाबू आटा गूंथता है आज, और कल हम आटा गूंथते हुए मिलेंगे। क्या जिंदगी है आज, यहाँ पे कल वहाँ पे। कैसे किचन? दो दिन और रुक जाए? नहीं, दो दिन बाद रुकते हैं। अब रूम भी रहेंगे। बहुत काले हो गए हैं। इसका शुरू हो गया। टैनिंग जो होना था मानो हो चुके हैं। इसके बाद क्या ढक रहे हो बताओ? मैं घुस बैठी हूँ, मैं यहाँ पे हमला करने आई। ऐसे मत बोलो, पकड़ के जेल में डाल देंगे। बोट राइड के बाद हम आए हैं यहाँ पे, एक मंदिर है और सभी यहाँ पे फोटो वोटो खींच रहे हैं। और मौसम इतना अच्छा है, देखिए गुलाब का बगीचा। सिर्फ गुलाब का फूल है यहाँ पे, मतलब गुलाब का बगीचा है और कुछ दूसरा पौधा ही नहीं है। और यहाँ पे खाने पीने का मिल रहा है, अंदर रेस्टोरेंट है। है बेटा, बस भाजी के नाम पे भाजी है। चलते रहो। चलो बैठो। ले लिया टिकट? ट्रेन टॉय ट्रेन दार्जिलिंग में। मानो ड्राइवर का कॉल आ रहा है। हाँ, नहीं तो माला तो
रस्सी तो मैंने खुद से बोला था क्योंकि ऊंचा है ना, चलो नहीं जाना फोन का, फोन गिरेगा नहीं लेकिन मैं ही गिर जाऊंगा। तो अभी हम आए हैं सहेलियों की बाड़ी, तो अंदर जा रहे हैं अभी। डालना होता नहीं है फिर भी ना जल्दी से आता है। पांच महीने में बहुत ही सुंदर जगह है। अभी बज रहे 6:30 और जस्ट अभी हम एंटर हो रहे रूम में और रूम का हालत देखिए। साफ है कहाँ, ये देखिए इसे अगर साफ बोलेंगे। और हमारा जो फ्लाइट है कल 9:45 पे है, 9 बजे की है, मैं 9:45 देखा तो बोर्डिंग हमारा 9 बजे का है और रूम का हाल कुछ इस तरीके से है। तो ये सब पैकिंग रात को ही हमें करके रखना है क्योंकि 6:30 बजे तक हमें निकलना है होटल से। वैसे तो कपड़े सुबह थोड़ा सा तय करके ही गई थी, ये मेरा है और ये मानो का, तो अभी थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे उसके बाद पैकिंग वैकिंग करेंगे। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, सोच रहे हम पूल में जाए, 1 घंटे हम कर सकते हैं लेकिन बस थक गए हैं, सुबह के निकले हैं और 6:30 बज गए। और ये देखिए जो मानो ने उधर चौकीदानी में बनाया था, तो ये ड्राइवर के सामने वाले उसमें जगह पे रखा हुआ था, तो ये पूरी तरीके से सूख चुका है लेकिन क्रैक हो गया कहीं कहीं पे देखिए, और पूरा मुंह काला हो गया। सुबह का निकले हैं और भूख भी बहुत तेज लग रहा है। रास्ते में हमने खाया कहीं पे, चना जोर गरम मिला वहाँ पे खाया, और जो म्यूजियम में हम गए थे वहाँ पे हमने पिज्ज़ा लिया था तो पिज्ज़ा खाया, लेकिन अभी बहुत तेज वाली भूख लग रही है। कुछ ऑर्डर करते हैं खाते हैं, अगर टाइम मिले तो पूल में जाएंगे नहीं तो रूम में रेस्ट करेंगे। और लगातार 5 दिन हम 1 मिनट के लिए भी ना बैठे नहीं, और हर बार गोवा जाते थे तो इस बार सोचा थोड़ा सा जगह चेंज करते हैं, लेकिन गोवा में क्या है ना कभी हम थक जाते थे तो रूम में ही रहते थे और कभी शाम के टाइम घूमने निकल गए एक ही जगह पे बैठ गई, लेकिन ये वाला जो ट्रिप था ना इसमें हमें लगातार रोज जर्नी करना पड़ रहा था। और जब हम जयपुर से जब हम जोधपुर के लिए आए तब भी 5 घंटे का टाइम लगा, और फिर कल जोधपुर से जब हम उदयपुर आए तब भी 5 घंटे, तो इतने मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे लग रहे कि हम बस कैब में बैठ के घूमे जा रहे हैं, और बाकी तो जो भी जहाँ पे भी जा रही हूँ वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो बहुत बुरा हाल हो गया, कल हम 12 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, पूरा दिन कल सोएंगे,
आराम से फिर परसों से लगेंगे अपने काम में। और कल बोला था ये फाउंटेन शाम को चलेगा 7 बजे, लेकिन कल नहीं चला था, लेकिन अभी चालू हो गया, देखिए। हाँ, और वो जो दूर दिख रहे हैं ना आपको, वो है मंडप। कल हम रात को गए थे ना डिनर के लिए, तो फिर हम रात को वहाँ पे बैठे थोड़ी देर, फिर नीचे बैठे, और रेस्टोरेंट के अंदर तो इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था ना, फिर हम बाहर मतलब गार्डन में बैठ के हमने डिनर किया। रूम क्लीन हुई? हाँ, क्लीन क्लीन करके गए ना हम, तो ऐसे ही गंदा छोड़ के चले गए थे। तो जाके मानू एडिट करेगी वीडियो, और मानू को, मानू थोड़ा जल्दी कर देना, 6 महीना बाद मत पोस्ट करना, नहीं तो फिर हमें दूसरा ट्रिप का टाइम हो जाएगा, फिर तब तुम एडिट करोगे, कर दोगे ना 2 दिन में। तो जो ब्लॉग बनते हैं ना वो मानू करती है एडिट, और जो मेरा रेसिपीज होते हैं तीनों चैनल के, वो बाबू करते हैं। बाबू तो टाइम का बिल्कुल एकदम इधर के उधर नहीं होते, अगर रात के 2 बजे भी मैं 10 वीडियो भी देती हूँ ना, तो बस अपना करके फिर वो सोएगा, चाहे वो सुबह के 7 भी बज जाए ना, तब वो करके ही सोएगा। लेकिन मानू अभी, ये आज कितना तारीख है, 1 मिनट, कितना तारीख है मानू आज, तो आज है 24, 25 को हम घर पहुंच जाएंगे, लेकिन वीडियो कब मिलेगा आप लोगों को, आप खुद ही सोचना तब कि मैंने गलत नहीं बोला, सही बोला बिल्कुल। तो चलिए, अभी बहुत सारे बातें हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, रात को हमने जब डिनर करने गए थे तो वहाँ पे खाना हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, तो रात को हम रूम में लेके आए और इसे हमने रखा था फ्रिज में। फ्रिज में रखने की वजह से ये पूरी तरीके से जम चुका था, ठंडा था। जब हम घूम के आए तो खाने के लिए जैसे हमने निकाला तो ये पूरी तरीके से जमा हुआ था, जैसे फ्रिज में रखने से होता है। तो मानू ने क्या किया, केटल में अच्छे से पानी को पहले बॉयल किया और उसके ऊपर इसे रख दिया, और आप देख के समझ ही सकते हो ये किस तरीके से गर्म हो चुका है। देखिए, जहाँ पूरी तरीके से जमा हुआ था, और इस तरीके से अच्छे से ये कड़ी गर्म भी हो चुका है। अगर आप लोग कहीं ट्रिप पे जाते हो और इस तरीके से आप लोगों के साथ कुछ होता है, तो आप इस तरीके से खाना को गर्म कर सकते हो वेस्ट करने की बजाय। और मानू को स्पेशल थैंक मेरी तरफ से, कहा है मानू, थैंक यू।